तो आज मुझे नहीं लगता कि मुझे ये हरकत करनी चाहिए थी Do you feel proud of yourself? I feel, I totally feel proud of myself कि मैं आज इतना मैंने अचीव कर लिया um, शफक मुझे आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं थोड़ा अच्छा मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ वैसे हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं दे अडॉप्टेड मी व्हेन आई वाज सिक्स डेज ओल्ड सो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स एंड देर नॉट योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स देर योर अडोप्टि पेरेंट्स राइट तो हाउ डू डिफाइंड एक्चुअली थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है वो ये है कि मेरे जो दादा हैं उन्होंने उनकी जो वाइफ थी मतलब जो मेरे अभी जो मेरे अडोप्टेड जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया जो मेरे पेरेंट्स हैं तो उनकी अम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी ऐसे देखा जाए तो मेरी दादी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी मेरे पापा और उनके दो भाई बहुत छोटे थे सो दे वांटेड कि कोई ऐसा हो जो अब बच्चों को पाल सके बिकॉज मेरे दादा को जॉब पे भी जाना होता था इंस्टाफ तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके ऊपर वाले घर में एक बेबी सीटर थी जो उनका भी कोई नहीं था तो सब ने उनको कहा कि आप उनसे शादी कर लें तो उन्होंने उनसे शादी कर ली जब शादी करी फिर उसके बाद उन्होंने आ, मेरे पापा को और बाकी चाचुओं को सबको पाला भी उसके बाद क्या हुआ, हुआ, हुआ आपके हाँ मैं अभी आपको उनकी बैकग्राउंड बता रही रहे हाँ। जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है ठीक है तो क्या हुआ कि जब मेरे पापा की शादी हो गई तो छः साल तक मेरे मम्मा पापा के घर पे ना कोई औलाद नहीं थी तो उनको एक कांस्टेंट प्रेशर तो था ही कि आपका कोई बच्चा क्यों नहीं है अभी तक और क्या वजह है वो भी उन्होंने भी कोई ऐसा कोई इलाज नहीं छोड़ा होगा कोई बाबा कोई रूहानी अमलियात क्या क्या नहीं छोड़ा होगा कि सोसाइटी को प्लीज़ कर सकें कि उनकी अपनी कोई औलाद हो जाए फिर क्या होता है कि मेरी दादी जिनसे जिनका कोई भी नहीं था जितना हमें पता था उस वक्त फिर क्या हुआ कि वो लोग किसी मार्केट में थे और मेरी दादी को उनके कोई पुराने रिश्तेदार मिल जाते हैं फिर दोबारा उनसे दादी का मिलना जुलना शुरू हो जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर उन्हीं की फैमिली में जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पर एक बेटी पैदा <laughs> होती हो है, है। सही है अच्छा ऑलरेडी उनका एक बेटा था और फिर तीन बेटियाँ थी तो फोर्थ लाइक फोर्थ डॉटर oh. एक बेटा ऑलरेडी तीन बेटियाँ उनकी थीं। और फोर्थ डॉ मैं फोर्थ डॉटर थी hmm. तो मेरी दादी को उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं बिकॉज uh, आपकी बहू के यहाँ भी तो कोई औलाद नहीं है तो यहाँ पर भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे बिकॉज उस वक्त तो बिल्कुल भी adoption का कोई वो नहीं था ना कोई मतलब एक्सेप्टेंस ऐसी चीज़ थी नहीं लोगों को शायद पता भी नहीं था कि आप ऐसे अडोप्ट भी कर सकते हो But why did your biological parents not want to keep you? Because, Because they, they, had they wanted a son, और वो ऑलरेडी यही कह रहे थे कि अभी हमारी ऑलरेडी तीन बेटियाँ हैं और हम इसको कहाँ से पालेंगे तो बहुत उन्होंने समझाया भी उनको कि मतलब ये तरीका नहीं है बट मेरी जो अपनी बायोलॉजिकल मदर हैं उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था तो जब मेरी दादी को पता चला कि इस तरह से उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया है और वापस घर तक नहीं लेके जा रहे तो फिर मेरी दादी ने मेरे पेरेंट्स को बहुत फोर्स किया जो मेरे जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है कि आप क्यों नहीं क्यों नहीं आप इसको रख लेते फिर खैर वो लोग यहाँ ले आए उसके बाद जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं बहुत अरसे तक तो खैर उन्होंने पूछा भी नहीं है कि मतलब मैं कहाँ गई है, क्या के, भी के? के भी नहीं देखा के भी नहीं देखा कि क्या हुआ फिर इन्होंने ही यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस नहीं थी मतलब शायद मेरी जो मदर हैं उन्होंने तो मुझे दिल से कबूल कर लिया था बट uh, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होती थी इस चीज़ की बिकॉज़ वो वाली बात आ जाती थी कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा इससे काफ़ी लोग कहते थे कि आप लोग तो इतने गोरे हैं मतलब जिसको नहीं पता होता था कि इसको अडॉप्ट किया हुआ है वो कहते थे आप लोग तो इतने गोरे हैं तो ये किस पे चली गई तो इस तरह के सवाल जब मैं बड़ी होने लगी तो मैं सुनती थी कहीं ना कहीं से कि ये किस पे गई है या आप लोगों पे नहीं गई तो मुझे अंदर से क्लिक तो करता था कि कुछ अच्छा जब आप छोटी थी तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं था कि तब तो मुझे बिल्कुल आइडिया हाँ। नहीं था ना मुझे क्या पता मैं तो मतलब बस यही समझती थी कि मम्मा पपाएँ अक्सर एक बात मैं ऐसे सुनती थी कि जो मेरे बाकी चाचुओं के बच्चे हैं या बाकी जो घर वाले हैं उनमें मुझे नंबर वन इतना काउंट नहीं किया जाता था तो मुझे थोड़ा सा फ़ील तो होता था कि कोई बात है उसके बाद ये हुआ कि मैंने कुछ सवाल शुरू कर दिए थे अपने पेरेंट्स से आई मैंने इन क्लास सेवन क्योंकि दादी के रिश्तेदारों से कभी कभार जब मिलना होता था तो मैं अक्सर अपने ही घर वालों के मुँह से सुन रही होती थी कि तुम्हें क्या मतलब खून की कशिश खींचती है तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था बिकॉज सेवन क्लास की बच्ची को कुछ समझ नहीं आता कि आप अगर एक फैमिली में जा रहे हैं वापस मिलने तो खून की कशिश क्या और उन लोगों से मेरी जहाँ से मैं आई हूँ उनसे पता नहीं क्यों एक अंदर से मेरी कभी बनती भी नहीं थी तो मैं कहती थी पता नहीं क्यों ये लोग मुझसे ऐसा सवाल करते हैं क्यों ये लोग मुझे इस तरह की बात करते हैं कि मतलब ये मिलती भी नहीं है हमसे और मम्मा से बार 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 एक ही बात पूछना कि ये किस पे गई है तो फिर सेवन एट क्लास में मैंने बड़ी हिम्मत पकड़ी मैंने कहा बस मैं पूछ लेती हूँ एक दफ़ा तो मैंने बहुत दफ़ा घर में पूछा तो वो सारे पेरेंट्स मुझे लगता है ऐसे करते हैं कि हाँ हाँ जाओ उठाया था कहीं से हमने तुम्हें तो मुझे लगता था कि शायद मजाक है ये फिर एक दफ़ा मैंने बहुत सीरियस होकर पूछा मैंने कहा कुछ ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना कॉम्प्लेक्स फील होता था मैं बहुत शदीद इन्फेअरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी थी अपने कलर को लेके हर चीज़ को लेके क्योंकि मुझे कहते थे ये अपनी दादी पे गई है और मुझे होता था कि दादी से क्यों मिला रहे हो मतलब कभी मुझे ये भी बोलो कि मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ पप्पा पे गई हूँ या घर में किसी पर गई हूँ कभी किसी बच्चे का बोल दूँ ये बच्चा मुझसे मिलता है ना तो उन लोगों को बुरा लगता था कि नहीं मिलता मुझसे नहीं मिलता तो मुझे बहुत अंदर से ना कॉम्प्लेक्सेस बहुत बढ़ गए थे प्रकार हुआ ये मैंने बड़ा अपने अंदर गैदर किया मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ एक दफ़ा सीरियस होके तो खैर मैंने अपनी खाला से पूछा मैंने कहा मुझे प्लीज़ आप सच बताइएगा अब तो उन्होंने खैर मुझे कहा कि हाँ ऐसा है हम तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तो अडोप्ट किया था और तुम छः दिन की थी तब एडोप्ट किया था उस वक्त तो आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मेरे क्या इमोशंस थे क्या फीलिंग्स थी बिकॉज आई डोंट नो क्लास में आई वाज लाइक आई थिंक थर्टीन फोर्टीन बहुत बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था वो मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि उस वक्त वो सोच अलग थी उस वक्त आप एक टीन होते हो तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करो कर अपनी ज़िंदगी के साथ या आपके पेरेंट्स ने भी आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है आपको इतना पाला यहाँ तक तो पहुँचा दिया है अच्छी जगह पढ़ाया सब कुछ किया लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था उस वक्त मुझे इतना साल इतना अरसा अपने घर में रहने के बावजूद ऐसा फील होता था कि जैसे शायद मैं कोई मेहमान हूँ बिट्रेयल भी फील हो रहा होगा ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ऐसा लगता था कि मैं मतलब एक बहुत धोखा हो गया है मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है समझ नहीं आता था उस वक्त कुछ भी आपने पूछा कि आपके वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है अपनी खाला से उस वक्त जब मुझे पत, उस वक्त मैंने उनसे पूछा और उस वक्त उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो कौन है और जब मुझे बताया तो आई एम सॉरी बट उस वक्त मुझे जब पता चला तो आई थिंक वो वाहिद फैमिली थी जिनसे मुझे कभी भी उनसे मिलने का दिल नहीं करता था अंदर से वो उनको आप जानती थी सोच जानती थी बिकॉज अब जाहिर है कि बहुत कम ऐसा होता था कि मतलब दादी के घर वालों से मुलाकात हो रही है या कुछ लेकिन मैं कब कभी भी उनके साथ इतना सही से मिल नहीं पाती थी अंदर से ही कुछ था हुँ, मतलब हुँ, क्या था थार नो बट मैं सही से नहीं मिलती जब मुझे पता चला कि वही मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तब तो आई कैन नॉट इवन टेल यू लाइक अब उसके बाद आपने अपने अम्मी अबू से जा के पूछा कि खाला ने मुझे ये बताया है जब मैंने अपने पेरेंट्स से जाकर पूछा कि इस इस तरह से मुझे मेरी खाला ने बताया तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया था कि तुमने क्यों बताया और हमने इसको नहीं बताना था पापा थोड़ा तो सा रिजेड रहा पापा ने कहा तो हमने तुम पे क्या कोई जुल्म किया है मैंने कहा नहीं जुल्म नहीं किया बट इत अर्जे से बताया भी तो नहीं खैर फिर वही बात है कि उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में क्योंकि वो सब सारी चीज़ें बचपन से जो जो मेरे साथ होता रहा इनकोलिटी फैमिली गैदरिंग्स में या ऐसे लोग मेरे बारे में बात करते थे कि वो है ना जो लेके आए थे पाली भी तो मतलब ऐसा लगता था ऐसा इसमें क्या है अगर अब भी मैं सोचती हूँ तो इसमें ऐसा क्या है मतलब हम कर सकते हैं अडोप्ट अगर हमारा कोई मतलब अपनी औलाद नहीं है और अगर हम किसी को लेके पाल लेते हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि वो उसको हर गैदरिंग में टॉपिक बने और वो भी एक नेगेटिव टॉपिक एक नेगेटिव टॉपिक बने या हम किसी को ऐसी नज़र से देखें कि वो कुछ कुछ गलत है या उसकी कोई, कोई है हाँ कोई कमतर है तो ये ये जो चीज़ है ना आई थिंक मेरे ख़्याल से हर एडोप्टिड चाइल्ड इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि कोई ना कोई आपको कमतर ही समझता है मतलब वो ये नहीं समझते कि ये आपकी फ़ैमिली का हिस्सा है वो ब्लड रिलेशनस को ही तरजीह देते हैं और इसके बाद जब आपने वो जैसे आपको पता चला जब अपनी खाला के थ्रू फिर आपने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया तो उसके बाद फिर आपने ख्वाहिश की कि मैं उनसे मिलूं बट दिस टाइम फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस क्योंकि आप उनको बहुत लाइक आपको पसंद नहीं थे वो लोग लेकिन आपको दिल हुआ कि मैं कन्फ्रंट करूं पूछूं या जाऊं उनसे मिलने नहीं मैं कभी उनसे मिलना नहीं चाहती थी मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया मतलब जहाँ उन्होंने तीन लड़कियाँ पाली थी तो मैं एक और मैं भी तो थी पर अब अब अगर देखा जाए तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा किया अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं कहाँ से कहाँ हूँ और अल्लाह ताला ने जो प्लान किया वो बहुत अच्छा किया है मतलब उसकी मर्ज़ी से सही है सब लेकिन वैसे मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों से मिलूँ इवन दो मेरी मुलाकात होती भी है और हुई भी थी उसके बाद पहले पहले जब मेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव से जब वो दोबारा आए जब मुझे पता चल गया और वो लोग जब आए तो मैं बेहोश हो गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आया उनके सामने नहीं बट मुझे बताया उन्होंने वो लोग लो आए तो मैं छोटी थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं बेहोश हो गई थी तब भी मैंने ख़ानदान वाले मेरे घर वाले यही कहते रहे ये सब ड्रामे हैं क्योंकि आप जिस चीज़ को फील कर रहे हो ना तो सिर्फ आप ही जानते हो दूसरा बंदा नहीं जानता ये ड्रामे नहीं करो उठ जाओ पहले भी तो मिलती थी पहले मिलती थी पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जब बाद में पता चला तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उनको फेस करना बट अब कर लेती हूँ उनके लिए मुश्किल नहीं था आपको फेस करना या वो इतने बेशरम थे कि वो उस घर में आते थे और देखते थे कि ये वही बच्ची है जिसको हमने छोड़ा था हॉस्पिटल में नहीं आई डोंट थिंक कि उनके लिए अब भी कोई मसला है या उनको कुछ ऐसा फील होता है दे आर ओके विद इट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक इस चीज़ से आई थिंक ये दो तीन साल पहले की बात है कि मैं डोनेशंस और इन सब चीज़ों में ओल्ड एज होम यहाँ वहाँ बहुत जाती रहती हूँ तो हम लोग डोनेशंस के सिलसिले में गए हुए थे लेरी तो वहाँ पर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स क्योंकि मेरे बड़े भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था तो मैंने उसको बताया कि आई एम हेयर उसको नहीं पता कि मुझे पता है कि आई एम अडॉप्टेड या मैं उसकी ही बहन हूँ हाँ। पर मैंने उसको बताया था कि मैं यहाँ हूँ अगर हम मिलना चाहते हो आप तो मैं मिल सकती हूँ या और मेरे पास कुछ सामान भी है डोनेशन का तो आप मुझसे ले सकते हो तो उसने कहा ठीक है हम मिल लेते हैं तो जब मैं वहाँ गई तो मैं देखा कि जो जो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे वो तो कहीं वो इधर ही सीढ़ियों पर सो रहे थे तो वो सीढ़ी पर क्यों सो रहे थे आ, बात सर यही है कि आई थिंक जो मैंने सुना है ख़ुद वो यही सुना है कि वो शुरू से ये अल्कोहल और गैम्बलिंग और इन सब चीज़ों में थे तो शायद यही वजह थी कि वो चाहते थे कि अब हो तो बेटा ही हो और शायद वो कुछ सहारा बन जाए तो इसलिए भी शायद वो लोग उनका माइंडसेट ये था कि बेटी है तो हम छोड़ देते हैं हम क्या करेंगे रख के। तो वो शुरू से इन्हीं सब चीज़ों में थे उसके बाद आज भी आई थिंक वो मेरे ख्याल से कोई काम तो नहीं करते जो करती हैं वो मेरी बायोलॉजिकल मदर ही करती हैं तो जब मैंने उनको देखा तो आई थिंक सब यही कहते हैं कि वो पिछले कुछ सालों से वो इसी तरह इन्हीं सब चीज़ों में ही हैं तो शायद वो वहीं सो रहे थे तो उन्हीं को मैं क्रॉस करती हुई चली गई um, उन्होंने चाहा था कि आपको छोड़ के चले जाएं हॉस्पिटल में लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ द स्ट्रीट्स बट शफाक आपने अपने अडोप्टिड uh, पेरेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप मैंट की जो टूट चुकी थी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी बीच में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सब ऐसा कहते हैं कि शायद सगे माँ बाप भी जो है ना वो इतना प्यार नहीं करते होंगे एंड आई डोंट नो ये कब एयर होगा बट uh, उस वक्त तक मैं फ़्लाई कर चुकी होंगी बिकॉज नाउ आई एम मूविंग अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज़ तो मैंने अपनी तरफ से जितना मैं उनको कोशिश करके पे बैक कर सकती थी वो तो मैं कभी नहीं कर सकती लेकिन अपनी तरफ से मैंने उनको प्राउड फील तो कराया ही है हमेशा हमारी जिस फैमिली में मैं आई भी हूँ अडोप्ट होके यहाँ पर भी कोई पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा नहीं था यूनिवर्सिटी नहीं भेजते थे लड़कियों को फ़ौर छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे बट दे हैव ट्रस्टेड मी और फिर उन्होंने बहुत मेहनत किया मुझ पर तो मुझे लगता है कि मेरे बगैर पता नहीं उनका क्या होगा और एक मुझे लगता है कि ये जो एक बैरियर है कि एक लड़का ही सब कर सकता है तो उन्होंने ही मुझ पर इतना ज़्यादा सब इन्वेस्ट करके ये शो किया है कि जेंडर डजेंट मैटर लड़की हो या लड़का हो सो आई थिंक मैंने रिलेशनशिप तो मैं किया हो नहीं किया हो इतना नहीं पता लेकिन वो लोग शायद मेरे बगैर नहीं रह सकते अब